फोन टैप को लेकर मामला, आप बीआरएस पर लगातार हमला कर रही हैं, केटीआर साहब कह रहे हैं आप सीबीआई जांच करा लीजिए ना, दिक्कत क्या है इसमें? कितनी बढ़िया बात है, सीबीआई जांच करा लीजिए, ताकि बड़े भैया जो बैठे हुए हैं ना दिल्ली में, जानते हैं ना कौन कौन बड़े भैया? नरेंद्र मोदी जी, हाँ, उनके कंट्रोल में है सीबीआई, तो सीबीआई जो है वो हमें बचा लेगी। अब आप समझ गए, बी फॉर बीजेपी, बी फॉर बीआरएस और बी फॉर भ्रष्टाचार, तो ये दोनों भ्रष्टाचारी हैं साथ साथ। कितनी प्यार मोहब्बत है भाई इनके बीच में, और दोनों आपस में एक दूसरे के साथ चोंच भी लड़ा रहे हैं, एक दूसरे को बचा रहे हैं। वरना मुझे बताइए, किशन रेड्डी तो यूनियन मिनिस्टर है, अब तक मोदी जी ने कुछ नहीं कहा। 300 करोड़ का इक्विपमेंट आता है देश में, और वो भी इसराइल से, वो किस लिए आया? वो नक्सलाइट इंटेलिजेंस जुटाने के लिए। इस्तेमाल किस लिए किया गया? पॉलिटिकल इंटेलिजेंस, एक्टर्स एक्ट्रेसेस के इंटेलिजेंस, जो बिजनेसमैन है उनका इंटेलिजेंस, तो डॉक्टर्स इंटेलिजेंस, जिसके पास पैसा है भाई, और जो पॉलिटिशियन है वो क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उसे तोड़ सकते हैं, और पता नहीं किस किस के उन्होंने इंटेलिजेंस जुटाई होगी। हम पेगासस के खिलाफ बोलते रहे हैं कि मोदी जी जो है पेगासस का इस्तेमाल करें, वो भी इसराइल से, और हम बार बार कह रहे हैं कि ये जासूसी हो रही है, मेरे नेता राहुल गांधी जी की भी जासूसी हो रही है पेगासस से, हम ये बार बार कह रहे हैं। अब ये बात तो साफ हो गई है ना कि ये इक्विपमेंट आया, इसको कैसे अमली जामा पहना दिया गया, एक मीडिया वाले के ऑफिस में जाकर सर्वर बैठा दिया जाता है, ये क्या बात हुई वाला? केसीआर और केटीआर को तो ये बताना चाहिए कि आप लोग सरकार के सर्वे सर्वा थे, चीफ मिनिस्टर, इतने बड़े मिनिस्टर, आप अपने फार्म हाउस से सरकार इसीलिए तो चला रहे थे क्योंकि आपके पास इंटेलिजेंस आ रही थी। ये जो जिन तीन लोगों का लुकआउट नोटिस इशू हुआ है, ये एसआईबी का चीफ था, और 13 मार्च को प्रभाकर ये प्रणीत राव को जो अरेस्ट किया गया है, ये किसने अरेस्ट किया गया? क्योंकि जैसे ही बीआरएस के सरकार जाने लगी और दिखाई दिया कि अब ये हार रहे हैं, उसने एविडेंस डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया। कितना एविडेंस डिस्ट्रॉय किया है, और रेवंत रेड्डी जी मुख्यमंत्री हैं तेलंगाना के, उनके ऊपर भी ये स्पाइंग हो रही थी, और ये बात तो कन्फेशनल स्टेटमेंट में आ गया प्रणीत राव का। और प्रभाकर राव क्यों भागे हैं? इसीलिए भागे हैं ना, कहीं कुछ गलती की है। तो केटीआर को ये सब बताने के बजाय उनको तो खुद कहना चाहिए कि भाई हम सरेंडर कर रहे हैं, हमारे कहने पे ये किया गया। और रेवंत रेड्डी जी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो कानून से चलते हैं, उनको जितना प्रताड़ित किया था ना बीआरएस ने, सारे अब समझ में आ रहा है ना, इतने इलीगल तरीकों का इस्तेमाल कर रहे थे, मगर वो कहीं से उन्हें फंसा नहीं पा रहे थे, फंसाने की कोशिश, सोचिए, मतलब प्राइवेट इंडिविजुअल्स के ऊपर आप प्राइवेट डेटा भी ले रहे हैं, आप प्राइवेट इंडिविजुअल्स के ऊपर जासूसी भी कर रहे हैं। आज जो मुख्यमंत्री बने हैं, वो जनता का प्यार उन्हें मिला है, और इसमें किसी को कोई शक ही नहीं है, पूरे देश में, पूरी दुनिया में रेवंत रेड्डी जी को माना जा रहा है कि उनको लोगों का बहुत प्यार मिला है, और रेवंत रेड्डी जी की इन्होंने जासूसी करवाई। हम कानूनी तरीके से जांच करेंगे, निष्पक्षता से जांच करेंगे, और हर उस व्यक्ति को सज़ा दिलवाएंगे जिसने ये कुकृत्य किया।